enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. आखिरकार बॉलीवुड ने आईपीएल के आगे हार मान ही ली। बॉलीवुड ने आईपीएल सीजन 3 को जमकर एंजॉय किया, लेकिन आईपीएल 3 जीतने का बॉलीवुड स्टार्स का सपना कैसे रह गया अधूरा, आज हम करें इसका पोस्टमार्टम। आईपीएल सीजन 3, 8 टीमें, ग्लैमर, बॉलीवुड की सितारों का फैसिनेशन, साउथ के सुपरस्टार्स की मौजूदगी, टीवी स्टार्स का सपोर्ट, कहीं खुशी तो कहीं गम, कुछ रिश्ते बने तो कुछ टूटे, किसी की हुई बैकडोर से एंट्री तो कोई हो गया आउट, राइवल्स भी मिले गले तो किसी ने हारी हुई टीमों को बताया रेस्ट इन पीस। आईपीएल बन गया बीपीएल यानी बॉलीवुड प्रीमियर लीग। लेकिन फिर भी आईपीएल की जंग हार गया बॉलीवुड, क्योंकि नहीं चला कोलकाता नाइट राइडर्स का जादू, राजस्थान रॉयल्स भी नहीं बोल पाए हल्ला, और ना ही किंग्स इलेवन पंजाब को मिला सेमीफाइनल का टिकट। जी हाँ, जब 25 अप्रैल को आईपीएल का फाइनल होगा तो आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के लिए इन तीनों में से कोई भी बॉलीवुड सितारा मौजूद नहीं होगा। ना शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, ना शिल्पा शेट्टी की टीम राजस्थान रॉयल्स, और ना ही प्रीति जिंटा की किंग्स इलेवन पंजाब, क्योंकि बॉलीवुड सितारों की टीमों ने दूसरी टीमों के सामने टेक दिए हैं घुटने। इन तीनों बॉलीवुड स्टार्स की टीमें आईपीएल की दौड़ से बाहर हो गई हैं। ये तीनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई, और तो टैली में भी ये तीनों टीमें सबसे पीछे यानी छठे, सातवें और आठवें नंबर पर हैं। बॉलीवुड स्टार्स की टीमों के मुकाबले कॉर्पोरेट हाउस की टीमों ने बॉलीवुड को हराकर आईपीएल सीजन 3 की ये जंग जीत ली है। शिल्पा शेट्टी, जो पूरी मीडिया को बुलाकर अपनी टीम के बारे में पूछे गए हर सवाल का जवाब देती थी, आज शो जरा नच के दिखा कि जज बनकर आई तो उन्हें अपनी टीम के सवाल सुनने में आ रही थी दिक्कत। क्या क्या? आईपीएल जीतना। आईपीएल जीतना? अरे प्लीज यार, जले पे नमक मत छिड़को। जब सवाल ही नहीं सुना तो जवाब तो भूल ही जाइए। और ये तब है जब इस बार आईपीएल सीजन 3 में बॉलीवुड सितारों ने ग्लैमर क्वेश्चन जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि साउथ की स्टार्स ने भी। मैदान से लेकर आईपीएल की पार्टीज तक बॉलीवुड की हर जगह मौजूदगी ने आईपीएल सीजन 3 को बना दिया क्रिकेट वुड यानी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिकेट एंड बॉलीवुड। क्रिकेट और बॉलीवुड के इस कॉकटेल का जो नशा पिछले एक महीने से पूरी दुनिया पर चढ़ा है, उसे देखकर लग रहा था कि इस बार क्रिकेट की इस जंग में जीत बॉलीवुड की ही होगी। लेकिन बॉलीवुड स्टार्स का कोई भी टोटका आईपीएल में काम नहीं आया। प्रीति ने तो हरिद्वार जाकर टीम की जीत के लिए पूजा पाठ करवाई, तब जाकर उनकी टीम की जीत का सिलसिला शुरू हुआ। शिल्पा को भी लेनी पड़ी भगवान की शरण। इस आईपीएल में लिखी गई बॉलीवुड में कई रिश्तों की नई कहानी भी, क्योंकि जो स्टार्स इंडस्ट्री में नजर आते हैं बिजनेस राइवल, वो भी आईपीएल में बैठे थे एक ही पवेलियन में। शुरुआत किंग खान से। शाहरुख कटरीना ने मैदान में लाखों की भीड़ के सामने गले मिलकर दिया नया सिग्नल, तो मैदान पर उनकी क्वीन गौरी भी आई नजर। सुधरे दादा से बिगड़े हुए रिश्ते भी। देश की जनता से मांगी टीम की जीत के लिए राय। तमाम सितारे जोड़े। शाहरुख ने अपनी टीम को जिताने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स हो गए सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। और यही हाल था शिल्पा शेट्टी का भी। मैदान में राजस्थान रॉयल्स का झंडा लेकर टीम को खूब चीयर किया, टीम की थीम पर एक नाइट क्लब भी लॉन्च किया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स नहीं बोल पाई हल्ला, और आईपीएल सीजन 1 की चैंपियन रह चुकी राजस्थान रॉयल्स भी सेमीफाइनल की दौड़ में रह गए पीछे। यही हाल रहा प्रीति जिंटा की टीम का भी। आईपीएल सीजन 1 में टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच गई थी, लेकिन इस बार टीम 14 में 4 मैच जीतकर दौड़ में है सबसे पीछे। सीजन 3 में कभी प्रीति के चेहरे पर नजर आई जीत की खुशी, तो कभी नजर आई मायूसी भी, तो कभी लगा कि नेस और प्रीति फिर से हो गए एक, और कभी कटरीना के साथ उनकी बॉन्डिंग से लगने लगे नए कयास। लेकिन टीम के बेचने की खबरों ने और कभी युवराज की खराब परफॉर्मेंस ने उन्हें भी कर दिया मायूस, जिसके नतीजे में प्रीति की फ्रस्ट्रेशन उनके ट्विटर अकाउंट पर नजर आई। और आखिर में रिजल्ट वही, किंग्स इलेवन पंजाब भी हो गया आईपीएल की रेस से बाहर। जहाँ टीम के मालिक बॉलीवुड सितारों के लिए ये आईपीएल रहा अनलकी, तो दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण के लिए आईपीएल 3 रहा लकी। और तो और उनके लक पर सिद्धार्थ माल्या को हो गया था कुछ ज्यादा ही भरोसा, जिसकी वजह से दीपिका को देनी पड़ी सफाई। वेरी नॉर्मल टू हैव मेल फ्रेंड्स एंड आई थिंक वंस इन अ व्हाइल यू शुड लेट मी डू माय थिंग एंड नॉट कीप लिंकिंग मी अप टू एवरीबॉडी।
I mean, who's left? रॉयल चैलेंजर्स के साथ दीपिका इतनी बिजी हो गई कि हाउसफुल के प्रमोशन तक को मिस कर दिया। डायरेक्टर साजिद खान ने इसके लिए उन्हें बैंगलोर टीम खरीद कर देने की बात तक कर डाली। अरबाज खान ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ इस तरह बना दिया हारी हुई टीमों का मजाक, यानी मैदान से लेकर मैच के बाद होने वाली पार्टीज और ट्विटर अकाउंट तक हर जगह छाया रहा IBL का जलवा। और वैसे भी इसी चक्कर में किसी भी बड़े बॉलीवुड स्टार ने IPL के दौरान अपनी फिल्म भी रिलीज नहीं की। वेल, इन बॉलीवुड सितारों ने भले ही IPL का खूब जमकर जश्न मनाया, लेकिन आखिर में IPL ट्रॉफी जीतने का बॉलीवुड का सपना अधूरा ही रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।